अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, गणित का प्रश्न पत्र सॉल्यूशन 2019 आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले इस बार का आपका पेपर काफी कठिन आया था। पिछले वर्षों की दोस्तों तुलना की जाए तो इस बार का पेपर सच में आपका कठिन था, जैसे पिछले साल आपका पेपर काफी सरल आया था। तो चलिए दोस्तों आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका गणित का प्रश्न पत्र है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है भाई गिन तो पाएंगे, दो असमान परिमेय संख्याएं। तो सिंपल से इसका आंसर आप लोग अनंत कर चुके होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया था। तो इसका आंसर आपका अनंत होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर अनंत। दूसरा दोस्तों प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से कथनों में कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों ये बोला गया, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। देखिए दोस्तों धनात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि एक मान लेते धनात्मक आपका धनात्मक पूर्णांक 2 है, तो दोस्तों इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो बात ये बोली गई ना कि धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो 2 -2 से बड़ा होगा कि नहीं ये बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही पहला आंसर है, पहला विकल्प ही इसका का सही आंसर होगा, ठीक है, पहला विकल्प सही है। और दोस्तों और बाकी क्या है, -17 हमेशा -5 से कम है, शून्य पूर्णांक संख्या नहीं है पूर्णांक, ठीक है दोस्तों, तो ये सब छोड़िए। तो दोस्तों आपका एक विकल्प ये भी था कि शून्य पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए शून्य पूर्णांक संख्या होती है, माइनस भी होती है, -2, 3, 4, 0, +1 सब पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। तो ये वाला विकल्प भी गलत है, तो उसको बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपका पहले सोल्यूशन बताते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 21 के अनुवर्ती संख्या क्या है। दोस्तों देखिए दो बार अनुवर्ती बोला गया, देखिए पहले 21 के अगर अनुवर्ती संख्या अगर आपसे पूछा जाता तो क्या होता आपका, 21 की अनुवर्ती संख्या होगी आपकी 22, 1+ जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों 21 की अनुवर्ती निकाली, उसके बाद दोबारा बोला गया कि 22 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो अब 22 की अनुवर्ती दोस्तों संख्या हो जाएगी आपकी 23। तो दोस्तों आपका विकल्प नंबर 4 ये सही होगा, 23 विकल्प सही होगा, मतलब 23 आंसर विकल्प नंबर 4। तो ठीक है 21 की अनुवर्ती संख्या आपकी हो जाएगी 23। तो अब दोस्तों चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों आया था आपका कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल अगर 0.5 हेक्टेयर है, तो इस मैदान की अगर एक भुजा 125 मीटर तो दूसरी भुजा की माप होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको हेक्टेयर को सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में बदलना था, तो एक हेक्टेयर बराबर होता है आपका, एक हेक्टेयर बराबर दोस्तों होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर दोस्तों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। तो मतलब 0.5 हेक्टेयर की बात हुई थी, तो 0.5 को क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे, ठीक है 1,000 10,000 से, तो क्या आ जाएगा जरा इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों गुणा करने पर आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, गुणा करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 5,000, ठीक है ना, 5,000 मीटर स्क्वायर ये आपका दोस्तों आ गया। इसका क्षेत्रफल आपने मीटर में इसलिए बदल लिया दोस्तों क्योंकि इसकी हमें एक भुजा दी गई है 125 मीटर। तो दोस्तों अगर एक भुजा आपकी 125 मीटर है, तो दोस्तों आपको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मान लें पहला माना 125, दूसरी आपकी एक्स है, तो बराबर 5,000 हो जाएगा। तो बस एक्स बराबर 5,000/25 कर दीजिए, 125 जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 125 से जब भाग करेंगे तो 125 गुणे 4 करते हैं तो हमारा 500 आता है, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40, ठीक है, तो 40 मीटर। तो हमारा दोस्तों विकल्प नंबर 3 सही है, तो यहाँ पर मीटर आपको पहले से लिखा था तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जिन बच्चों ने 3 विकल्प को टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, तो मतलब आप लोग आंसर मिलाते चलिए कितने नंबर सही हो रहे हैं। और दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, एक घन मीटर बराबर होता है, इसका आंसर दोस्तों एक सेकंड में आप बोलेंगे, 1000 लीटर। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हमने पहले बता रखा कि एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, इससे दोस्तों मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको पूछा भी गया पेपर में, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 16 था, ठीक है 16 नंबर, आपने देखा होगा कि भाई मैदान में बारिश होती है फिर क्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं अति लघु उत्तरी के प्रश्न क्या आए थे कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल दोस्तों इतना दिया गया, एक संख्या ये दी है तो दूसरी संख्या है। दोस्तों दो परिमेय संख्याओं का योगफल आपका दे रखा है -1/3, पहली परिमेय संख्या दोस्तों आपकी -5/18, और दोस्तों तो दूसरी संख्या कुछ नहीं थी, हम उसको एक्स मान लेते थोड़ी देर के लिए, बस आपको हो गया आंसर 1/3 कर दीजिए दोस्तों यहाँ पर, और -5/18 इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे आप, 18 आ जाएगा, 3×6=18 नीचे माइनस का प्लस का 5 = x, दोस्तों सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1/18, -6 में से 5 गया 1 बचा ना, तो बस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/18, ये आपका उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों सातवां क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा गया था कि एक वर्गाकार खेत की भुजा इतनी दी गई तो इसका क्षेत्रफल, दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल हमने कितनी बार आपको बताया होगा कि भुजा स्क्वायर होता है, बस ये क्वेश्चन तो शायद ही किसी बच्चे का गलत हुआ हो, उम्मीद करते हैं किसी का ना हुआ हो।
पेपर वैसे भी टफ था, अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो एक नंबर भी तो कटेंगे ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों हमें निकालना था, क्या दिया, वर्ग की भुजा दी गई थी हमें 3x+17, ठीक है, ये दी गई हमारी भुजा, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकाला, आगे भी मीटर भी लिखा है, ठीक है। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है भुजा का स्क्वायर, तो हमने 3x+17 का होल स्क्वायर कर देंगे, बताइए आपका उत्तर होगा। आप इसको सॉल्व भी करना होगा दोस्तों, एक नंबर में भले पूछा गया लेकिन थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट खोलेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 9² a² + b का होल स्क्वायर फार्मूला कर देंगे, 17 का 289 हो जाएगा स्क्वायर, +17 17 34 17 51, 51 दूनी दोस्तों कितना होता है आपका 102, ठीक है, 102 यहाँ आगे होगा एक्स, और आगे दोस्तों आप लोग लिखेंगे मीटर का स्क्वायर, क्योंकि इसमें दोस्तों यहाँ आप देखिए यूनिट लिखी गई है, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा होगा तो एक नंबर पक्का काट लेगा एग्जाम, आधा एक नंबर का है तो आधा तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन कर सकते थे आप, ये तरीका था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आपने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों चलिए देख लेते हैं जल्दी से, और दोस्तों आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा कितने नंबर अभी तक आपने सही कर लिए हैं। 8वां नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि समीकरण ये दे रखा है कि इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं दोस्तों क्या दे रखा है समीकरण हमारा, रुकिए दोस्तों थोड़ा पेन को मोटा करते हैं, 12/5 बराबर 2/5 दोस्तों प्लस का 2x/5, तो दोस्तों हमें एक्स का मान निकालना, सिंपल सा है ये दोस्तों, इसके क्या है जरा इसको इधर लेके जाते हैं, 12/5 यहाँ लिखा है, 2/5 इधर आ जाएगा दोस्तों और बराबर हो जाएगा आपका 2x/5। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, घटेगा कितना आ जाएगा, ये नीचे बराबर है ना, तो 12 - 2 कर लेंगे यहाँ पर, बराबर हो जाएगा 2x/5, बिल्कुल बेसिक से दोस्तों आपको बता रहे हैं, 10/5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 2x/5, 2 × 2, एक मिनट रुको दोस्तों देखते हैं, 10/5 था तो ये 5 से 5 नीचे कट गया, 2 × 2 2 5 10, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। और यहाँ पर कुछ यूनिट तो लिखी नहीं होगी कि मीटर सेंटीमीटर, तो सिंपल से ही आप इसको फाइनल आंसर बोल सकते हैं, एक्स का मान 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, 114 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपल सा एक तरीका करना होता है, 114 133 और 380 हमेशा इसको आप लोग सीरियल से लिखेंगे, नहीं तो आप लोग गलती करेंगे, 380 को सीरियल से लिख लेंगे बढ़ते हुए क्रम में। अब महत्तम मासा निकालना, तो सबसे पहले दोस्तों 114 का आप 133 में भाग करिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 114, ठीक है, घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 19 आ जाएगा, तो दोस्तों जो आपके यहाँ शेषफल आएगा इसी शेषफल से दोस्तों आगे 380 को भाग कर देंगे, 19 × 2 = 38 हो गया, 380 मतलब ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि जो हमारी सबसे छोटी संख्या आ रही 19 आ रही है, तो मतलब 19 से ये भी संख्या कट रही है, 133 भी 19 कटता है और 380 भी, तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए हमारे इसका मासा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक दोस्तों लिख सकते हैं 19, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न था कि पार्श्व चित्र में AC बराबर BD है, ठीक है, AC और ये BD बराबर है दोस्तों, और BC बराबर AD है, BC कहाँ गया, हाँ ये B और C दोस्तों दे रखा है, और A और D बराबर है, ठीक है, तो हमें बोला गया कौन सा कथन सत्य है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं, आपका AC बराबर BD दे रखा है, AC कहाँ गया आपका, AC है ये और BD ये भुजा बराबर है, और दोस्तों BC बराबर AD है, B और C कहाँ गया, BC दोस्तों ये डबल कर देते हैं, और AD दो भुजा बराबर है, तो दोस्तों हमें पता चल गया दो भुजा बराबर है, तो हमें एक और कोण बराबर कर देंगे, तो ये सर्वांगसम की शर्तें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC हमेशा जिक्र किया गया, मतलब ABC ध्यान आपको क्या देना है, त्रिभुज ABC हर कंडीशन में, मतलब हमारा बी कोण को ही हम प्रूव कर सकते हैं, अगर बी कोण कैसे निकालेंगे कि बी कोण किसके बराबर हम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए ये वाला कोण दोस्तों हमारा ABC है ना, ABC ये वाला देखो हाईलाइट करते हैं, ये वाला कोण हमारे किसके बराबर हो सकता है, ये कोण बी आपके बराबर हो सकता है दोस्तों कोण ए के, तो मतलब जहां पर ए बीच में होगा वही इसका आंसर राइट हो जाएगा, बस इतना ही करना आपको, इतना ही समझना है बस। हमारा तीसरा विकल्प देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, बस ये आपका सही आंसर होगा, और इतने में क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 11 नंबर आता है कि माइनस ब्रैकेट के बारे में, माइनस ब्रैकेट में माइनस 4 - 17 दोस्तों लिख लेते हैं क्वेश्चन को, सॉरी ठीक है, माइनस 4 - 17 लिख रखा है दोस्तों, और प्लस का 10 × 3 - 5, 10 × 3 - 5, तो दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रश्न को आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बॉड मास रूल आपने पढ़ रखा हो, बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ बॉड मास, ठीक है, ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले दोस्तों 10 का गुणा 3 से कर देंगे, 30 आ जाएगा, माइनस का 5 है, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, -4 प्लस का 17 हो जाएगा, प्लस का ये बॉड मास के हिसाब से दोस्तों क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं, फिर
उसके बाद घटाते हैं, तो जोड़ने वाली संख्या क्या क्या हमारी, -17 30 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 30 40 47 ठीक है, -4 प्लस का 47 माइनस का 5 ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे उसके बाद, बस अब क्या है जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस कितना हो गया, -5 और -4 -9 और 47 में से दोस्तों 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों घटाने पर कितना आ जाएगा आपका 38, यही आपका सही आंसर होगा। जिन बच्चों ने 38 निकाला होगा, सब वैसे सबने निकाल लिया होगा, इसमें कुछ नहीं था बोर्ड मॉक्स का, कुछ ज्यादा यूज नहीं था, खाली आपको पहले गुणा करना था। और दोस्तों यहाँ बीच में प्लस का साइन है, अगर आपको ना दिख रहा हो कुछ अलग हो तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, ठीक है, भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, मान लेते दोस्तों उसका अंश एक्स है तो उसका हर एक अधिक है, तो एक्स प्लस वन हो गया, क्वेश्चन बोलता जाए आप लोग करते जाइए ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या बोला गया, प्रश्न कहा गया तथा अंश तथा हर में दोनों में से एक घटाने पर उसका मान 1/2 हो जाता है, दोनों में दोस्तों हम लोग क्या करना है, एक घटा देते हैं, एक ऊपर घटा देते हैं एक नीचे घटा देते हैं, तो उसका मान 1/2 हो जाता है, ये माइनस से ये प्लस वन, माइनस वन कट गया, एक्स बटे दोस्तों क्या बचा, एक्स माइनस वन बटे एक्स बराबर 1/2, दोस्तों 2 से 3 गुणा कर देंगे हो जाएगा 2x माइनस का 2 बराबर एक्स, तो सॉल्व कर लेते दोस्तों एक्स इधर आ जाएगा 2 उधर जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 2 ठीक है। आपने एक्स का मान निकाल लिया दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है क्वेश्चन, दोस्तों देखिए प्रश्न में बोला गया कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों हमने भिन्न हमारी थी क्या, पहले याद रखिए शुरुआत में हमारा भिन्न थी कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, तो भिन्न का हमने शुरुआत में दोस्तों में भिन्न दिया गया था, ये हो जाएगा 2 2/2 + 1 मतलब 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है, 2/3। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं दोस्तों आपके सामने, ज्यादा नीचे आना पड़ रहा है ठीक है, तो पेपर अच्छा आया था वैसे दोस्तों, कुछ बच्चे क्वेश्चन तो सरल भी थे, कुछ क्वेश्चन कठिन भी थे, तो इस बार का पेपर में दोस्तों 25 में 25 देखते हैं कितने बच्चों के आते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ गया, कौन सा है कि दो संख्याओं का अंतर अगर मैं 214 दे रखा है, बड़ी संख्या का आधा, दो संख्याओं का अंतर में 14 दे रखा, मान लेते दोस्तों एक्स माइनस वाई का अंतर हमारा 14 है, जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है दोस्तों इतना कर दिया अपने आधे अंक पा गए, बड़ी संख्या का आधा मान लेते दोस्तों हमारी बड़ी संख्या एक्स का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, मतलब छोटी संख्या मानते वाई है तो 2 गुने से 2 कम है, तो दोनों संख्या ज्ञात करनी दोस्तों, बस हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो एक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुणा होगा, 2 दूनी 4 वाई माइनस का 4 ठीक है। दोस्तों हमारे पहले इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको एक काम और करते हैं, इसको वाई उधर ले आते हैं, एक्स माइनस 4 वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 4, और इक्वेशन दोस्तों हमारा समीकरण क्या था, एक्स माइनस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर हो गया आपका दोस्तों 14 हो गया, बस सॉल्व करते हैं इसको कैसे हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ये कट गया, तो दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 3 वाई बराबर का माइनस का 18, सॉल्व कर लेते दोस्तों वाई बराबर आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया 18/3, तो दोस्तों वाई का मान हमारा आ जाएगा 3 6 18, वाई की वैल्यू अगर दोस्तों 6 आ गई हमारी ठीक है, यहाँ पर वाई की वैल्यू हम 6 रख देंगे, तो एक्स माइनस 6 बराबर हो जाएगा आपका 14 दोस्तों, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 उधर जाएगा 14 + 6, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 ठीक है दोस्तों। तो हमें इसके दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी, दोनों संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, एक्स और वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 20 और 6, ये आपका आंसर है ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे कि क्या बोला, किसी परीक्षा में 22 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्त अंकों का विवरण है, तो ये संख्या दे रखा दोस्तों, तो 10 10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए, तो बारंबारता सारणी बनाना और 10 10 में डिवाइड करना, तो क्या है बारंबारता सारणी दोस्तों बनाने के लिए, पहले आपको दोस्तों क्या दे रखा है, जो भी संख्या दे रखी है दोस्तों बारंबारता आपको सारणी निकालनी, पहले आप मार्क्स लिख लेंगे एक तरफ, तो 210 का हमें अंतराल बनाना, तो मान लेते सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, 50 है, हमको लग रहा है 50 से छोटी नहीं, 48 भी दे रखा है दोस्तों, तो पहले हम दोस्तों एक काम करेंगे 40 से 50 के बीच में बना लेंगे ग्राफ दोस्तों आप लोग ठीक है, हम आपको बता देते हैं कैसे करना है दोस्तों, दूसरा बना लेंगे 50 से 60 के बीच में, तीसरा बना लेंगे 60 से 70, 70 से 80 ठीक है, 80 से 90 हाइजी 290 तक जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा बारंबारता में, यहाँ पर आप लोग लिखने रहेगा कि 40 से 50 बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 जो भी आ रहा हो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, और दोस्तों अगर आपको टैली चिन्ह बनाना हो तो एक और काम कर सकते हैं, तो पहले 4 तक आप लोग सीधी डंडी खींच देते हैं, अगर 5वां रहता है तो ऐसे इसको कट करते हैं, तो अगर दोस्तों यहाँ पर 4 संख्या आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, तो 5 संख्या में अगर दोस्तों आप लोग चाहे तो यहाँ पर लास्ट में टैली चिन्ह भी डाल सकते हैं, तो अगर कोई संख्या दोस्तों 4 बार आ रही तो 4 बार डंडी खींचेंगे सीधी सीधी, अगर 5 बार आ रही तो 4 डंडी और ऐसे कट कर देंगे ठीक है, ये तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को करने का, तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा हमने आपको समझा दिया है कि कितनी बड़ी संख्या है, तो फिलहाल आपको सोल्यूशन जल्दी देना है, 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको सरल करना है, तो चलिए दोस्तों सरल कर लेते हैं भाई कठिन क्वेश्चन को।
ठीक है, इसको मिटा देते हैं दोस्तों पहले। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपका पेपर आज कैसा हुआ। ठीक है ना, 15 नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या लिखा है। 8y+3x का होल क्यूब, ठीक है, 8y+3x का होल क्यूब है, माइनस का बीच में साइन है, 3x-8y का होल क्यूब। दोस्तों इसको करने के दो तरीके थे, अगर चाहे तो आप एक क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप एक ए प्लस बी का होल क्यूब से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो लंबा पड़ सकता था। तो इसको पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों होता है ये ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ए माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, 8y+3x। तो दोस्तों आगे क्या करना है, इतना लिख लिया और उसके बाद a माइनस बी होता है फॉर्मूला। तो माइनस दोस्तों ऐसे ब्रैकेट बड़ा सा बनाएंगे, माइनस दोस्तों जब करेंगे तो ये -3x तो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बीच में आगे जाएगा तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का 8y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 3x तो 3x कट जाएगा, आपका आ जाएगा 16y, लेकिन आगे के दोस्तों में लिखना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आपका इस ब्रैकेट में आएगा 8y प्लस का 3x का होल स्क्वायर, या बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, प्लस का दोस्तों बी स्क्वायर में दोस्तों आप इसको पूरा होल स्क्वायर कर लेंगे, 3x-8y का होल स्क्वायर, 3x-8y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का ए बी होता है, प्लस का चिन्ह 8y+3x कर लेंगे। दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको सीक्वेंस से कर लेंगे तो आपको एक फायदा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3x पहले लिख लेते हैं प्लस 8y बाद में लिखते हैं, इंटू में हो जाएगा आपको दोस्तों ये दूसरा वाला ए इंटू बी, 3x-8y। दोस्तों ये फायदा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने में आपको आसानी होगी, यहाँ पर ये आ गया था। तो बस दोस्तों आपका क्वेश्चन लगभग समाप्ति की ओर है, तो अगला स्टेप दोस्तों इसको बाद में करते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे, ऊपर वाला पूरा एक में था। तो अब ये क्या होगा दोस्तों, इसको जोड़ लेते हैं, 8 8 कितना हो गया 16y। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो थोड़ा बड़ा भी था आज का पेपर। अब दोस्तों इसको करते हैं, पहले ब्रैकेट में क्या था हमारा, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं 8y+3x का होल स्क्वायर प्लस का 3x-8y का होल स्क्वायर प्लस का, ये था दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं, इसको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह दोस्तों हो जाएगा 8y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ तक क्लोज होता है। अब इसका दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं, कितना हो जाएगा 88 64, वाई स्क्वायर प्लस का 3 3 का 9x स्क्वायर प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 2 48, ठीक है 48x into y। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा सेम, 9x स्क्वायर प्लस का 88 64, वाई स्क्वायर प्लस, ये दोस्तों यहाँ माइनस हो जाएगा 8 3 24 माइनस 24 2 48, 48x y ये माइनस का हो जाएगा दोस्तों, ये और ये कट जाएगा, 64y स्क्वायर, 64y स्क्वायर जोड़ देंगे, 64 2 होता है आपका 128, वाई स्क्वायर दोस्तों प्लस 9 9 18 एक्स का स्क्वायर। और दोस्तों इस ब्रैकेट में हमने क्या किया था, सॉल्व किया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 3 3 का 9x स्क्वायर आ जाएगा आगे, और 8y स्क्वायर था दोस्तों आपका यहाँ पर ना 3x था, तो 88 64y स्क्वायर। तो बस सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, और आगे क्या है यहाँ पर 16y, ठीक है 16y है ना दोस्तों खाली, ठीक है। तो 128 की वाई स्क्वायर में से अगर 64y स्क्वायर घटा देंगे, 64 2 100y, 128 होता है, तो मतलब यहाँ बचेगा 64y स्क्वायर प्लस का दोस्तों 9 9 2 18 3 27 x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। बस इसको अंदर चाहे तो गुणा कर लीजिए, चाहे तो मत करिए, यही से इसको आंसर कर दीजिए दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, तो आज तो कोई बच्चा किसी को बता भी नहीं पाया होगा इतना लंबे क्वेश्चन में। ठीक है चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से, हम फिर इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमारा आया था 16 नंबर, कि एक मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई इतनी है 15 मीटर, ठीक है, यदि इस मैदान में 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान का कुल कितने लीटर पानी भरा है। तो दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि कोई मैदान आपका एक आयताकार मैदान था, तो आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारा 30 × 15 मीटर कर देंगे दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा 450 मीटर स्क्वायर दोस्तों। तो हमारा एक मैदान था, ठीक है, मैदान 450 मीटर स्क्वायर है और इस मैदान में इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ दे रखा है कि वर्षा आपकी कितनी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को दोस्तों जरा मीटर में बदल दें, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा दोस्तों,
सिंपल सा 100 से इसको भाग कर देंगे तो 200 आ जाएगा आपका 0.05। दोस्तों ये मीटर में आ गया, तो इतनी सेंटीमीटर आपकी वर्षा हुई थी, तो इसको जरा गुणा कर लेंगे, जो आपका क्षेत्रफल आया था 450 × 0.05। तो दोस्तों जब ये दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा जो आगे आएगा वो घन मीटर में आ जाएगा। तो जरा गुणा करके देख लेंगे, 450 × 0.05, तो जरा 5 डायरेक्ट गुणा करते हैं, 5 × 0 = 0, 5 × 25, 5 × 20, 2 = 22। ठीक है दोस्तों, 5 से हमने सीधे मल्टीप्लाई किया था तो हमें दो अंक पर दशमलव लगाना है, तो आ गया हमारा 22.5 घन मीटर। ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो में हमने आज आपके बहुविकल्पी में क्वेश्चन आया था कि एक घन मीटर बराबर कितना बराबर होता है, तो दोस्तों एक घन मीटर बराबर हमने टिक मारा था 1000 लीटर के बराबर होता है। एक क्वेश्चन तो दोस्तों दो क्वेश्चन कैसे बने थे वही बता रहे थे, एक घन मीटर बराबर आपका कितना होता है 1000 लीटर के। ठीक है, तो दोस्तों 22.5 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 22.5 गुणे का 1000 कर देंगे, ठीक है 1000 लीटर के, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, बाईस कितना लिखा है दोस्तों, 22.5 और 3 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3, एक अंक पर दशमलव हो गया दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 22500। ठीक है, 22500 लीटर, इतनी भाई बारिश हुई थी आज, तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया 22500 लीटर। ठीक है, ये तो आज के बाद कभी बारिश होगी तो जरूर देखेंगे आप लोग, हमें पता है। तो अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपका आया था कि एक घनाभ की लंबाई इतनी दी रखी है, चौड़ाई इतनी दी गई है, ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें इसका आयतन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको हम सबको मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो मीटर में चाहिए। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर बराबर दोस्तों कितना मीटर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर बराबर दोस्तों आपका मीटर में आ जाएगा। तो दोस्तों इसको 100 से सिंपल से आपको क्या करना होता है, भाग करना होता है बस, 80/100 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर में आ गया आपका, आगे मीटर लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या दे रखा है, 80 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर का सिंपल से आपको समझ गए होंगे, 40 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 0.4 मीटर, और दोस्तों एक और आपका था 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 1 मीटर और आगे क्या लिखा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। दोस्तों पूरा क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर, प्लस का 20 और दे रखा है, तो मतलब 120 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा मीटर में, 120/100 कर दीजिए दोस्तों, आप लोग कितना हो जाएगा, 0 से कट गया, मतलब 1.2 मीटर। अब दोस्तों हमें इन तीनों का गुणा कर लेना, बस आंसर आ जाएगा कि क्या है आपका, 0.08 × 0.4 × 1.2, गुणा कर लेते दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 × 32 होता है। ठीक है, 2 अंक पर दशमलव × 1.2, 12 × 2 = 24 का 4, 12 × 3 = 36, 2 = 38। ठीक है दोस्तों, दशमलव कितने अंक ऊपर है, 1 2 3, तो 0.2 ये आ जाएगा दोस्तों, और आपका आंसर आएगा मीटर क्यूब में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या आया था पेपर में, आपके अंतिम प्रश्न भी आज का। तो 2x² प्लस ये दे रखा है, और माइनस का ये दे रखा है, और ये दे रखा है, बस सरल करना है। तो दोस्तों सरल क्वेश्चन भी है आपका, देखने में तो कठिन लग रहा है लेकिन होगा जरूर सरल ये, तो चलिए दोस्तों सॉल्व करके देख लेते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आंसर जीरो आ जाता है, पता नहीं दोस्तों आपके सामने लाइव सॉल्व कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता आंसर क्या आएगा, चलिए करके देखते हैं। दोस्तों पहले ये दे रखा है ना, 2x² प्लस का 8x³ प्लस का 11x माइनस का 12। दोस्तों ये देखिए माइनस का चिन्ह बाहर है ना, माइनस अंदर जाते प्लस का हो जाएगा सब, 5x² हो गया, प्लस का 2x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 13x³ हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस फिर अंदर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4, माइनस का 2x, फिर यहाँ दोस्तों हो जाएगा प्लस आपका 3x², फिर प्लस में 5x³। दोस्तों जल्दी जोड़ लेते हैं, जल्दी जल्दी, एक्स क्यूब के साथ क्या क्या, 8x³ है यहाँ पर, एक ये है और एक ये है दोस्तों, 8 5 13 होता है। दोस्तों देखिए हमने बोला था ना, ये 5 है और ये 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13 और माइनस 13x³ है, पूरा कट जाएगा, 0 हो गया। अब दोस्तों x² देखते हैं क्या आपका है, 2x² है, 5x² है, मतलब कितना हो गया दोस्तों जोड़ने पर, 5 2 7x², और दोस्तों यहाँ पर 3 है तो जोड़ लेते हैं जरा कितना हो गया, 2 5 2 7 3 10, तो 10x² दोस्तों बचा आपका ये। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 11x कहाँ पर है, ये आपका है 11x, फिर दोस्तों x वाली संख्या देखते हैं, 11 2 13x, फिर दोस्तों 2x से ये 2x कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो मतलब दोस्तों आपका बचा है प्लस में 11x। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये संख्या ये हो गया, माइनस का 12 बचा और प्लस का 2 है दोस्तों, और प्लस का 4 4 2 6, ठीक है 6 और माइनस 12 में तो घटेगा माइनस का 6। दोस्तों कुछ आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको सॉल्व करके खत्म करना था। अगर चाहें दोस्तों तो इसको और छोटा कर सकते हैं,
गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन हमें नहीं लगता दोस्तों इसके बाद आपको करने की जरूरत है। तो दोस्तों इसको चाहे तो और गुणनखंड कर सकते हैं, 15 चौके 60 होता है 10x स्क्वायर, पहले अंत का गुणा करते हैं 60 आ गया तो हमने बता रखा है, प्लस का 15x माइनस का 4x माइनस का 6 कर दीजिए यहाँ पर जरा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉमन क्या हो जाएगा आपका 5x कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना 2x प्लस का 3, और दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ पर लास्ट में 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों माइनस का 2, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस का 3। तो दोस्तों एक ब्रैकेट में आ गया आपका 2x प्लस का 3 दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा, और दूसरे में आ जाएगा 5x माइनस का ये 2 दोस्तों, ये आपका हो जाएगा फाइनल का आंसर। तो इस तरह का तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। अगर देखिए दोस्तों हो सकता है जल्दबाजी में कहीं गलती हुई तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि आपके सामने मैंने तुरंत अभी क्वेश्चन पेपर आया और जल्द में तुरंत कम से कम समय में आपका पेपर पूरा सोल्यूशन किया है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए, कमेंट करके बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियो को दोस्तों आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं, और ऑल द बेस्ट।